अब बात अल्ट्राटेक सीमेंट की हम करेंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट भले ही जोड़ने का दावा करता हो, लेकिन चित्तौड़गढ़ में ये अल्ट्राटेक सीमेंट किसानों की कमर तोड़ रहा है। जी हां, प्लांट की ब्लास्टिंग से मकानों में दरार आ रहा है, साथ ही प्लांट की ब्लास्टिंग के बाद प्लांट की माइन से उड़ती धूल किसानों को बर्बाद कर रही है। किसानों के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। अफीम की फसल का लाइसेंस मिलता है, किसान दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से इस अफीम की फसल को तैयार करते हैं, लेकिन अल्ट्राटेक की माइन इन अफीम फसलों पर अटैक कर देती है। नतीजतन अफीम की इन फसलों को घटिया घोषित कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अल्ट्राटेक ने किसानों को किया बर्बाद, प्लास्टिक की धूल से काला सोना खराब, किसानों की मेहनत पर अल्ट्रा अटैक। तो ये डंपिंग होता है यार, धूल मिट्टी उड़ के आती है, तो हमारी अफीम इसको घटिया बचा के नारकोटिस ने इसको सीपीएस में पटा कर दिया। सुन रहे हैं आप इन किसानों का दर्द, ये दर्द है उनकी मेहनत पर पानी फिरने का, ये दर्द है उनका काला सोना बर्बाद होने का, और ये दर्द है आर्थिक रूप से उनकी कमर टूटने का, और इन्हें ये सारे दर्द दिए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन ने। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा के सावा में आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट नाम से यूनिट संचालित। यहां अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से कुछ दूरी पर इसी प्लांट की माइंस में हो रही ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के कई गांव के सैकड़ों मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। प्लांट की माइंस में दिन रात हो रही इन ब्लास्टिंग के चलते जहाँ आसियाने उजड़ने का डर है, तो वहीं ये ब्लास्टिंग किसानों की कमर भी तोड़ रही है। सीमेंट प्लांट और उनकी माइंस की ब्लास्टिंग से धूल का गुबार निकलता है जो पूरे इलाके को अपने आगोश में लिए हुए है। सांसों के जरिए धूल ग्रामीण को बीमार कर रही है, तो वहीं ये धूल काला सोना कही जाने वाली अफीम फसल को भी बर्बाद कर रही है। दरअसल इलाके में बड़े स्तर पर अफीम की खेती की जाती है। अफीम का दूध निकालने के लिए किसान अफीम डोडे की चिराई करते हैं, लेकिन अल्ट्राटेक माइन से उड़ती डस्ट अफीम के दूध पर जम जाती है, जिससे अफीम की गुणवत्ता खराब होने से उन्हें बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान होता है। अल्ट्राटेक की डस्ट की वजह से हमारे बहुत भारी नुकसान हुआ है सर। पहले हमारा अफीम का लाइसेंस लोवई चिराई का काम चलता था सर, उसमें दो गुना फायदा होता था। अब इसके कारण, इसकी डस्ट उड़ने के कारण जो अफीम लाइसेंस हमारा मिक्स में करके सीपीएस लाइसेंस दे दिया गया है हमें, जो इसकी धूल मिट्टी के कारण से हुआ है, और 50 मीटर की दूरी पे ये डंपिंग करते हैं। अंधाधुंध डंपिंग चलती इनकी और कोई सुनवाई नहीं, कोई पानी नहीं छाड़ते है। अल्ट्राटेक की ब्लास्टिंग की इस धूल के चलते हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ के किसानों की अफीम को घटिया घोषित कर दिया गया है। अब हालात ये है कि विभाग ने किसानों की अफीम को घटिया बताकर चिराई पट्टा न देकर सीपीएस लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया। सीपीएस से पहले उनको जो पट्टा मिलता था, लोहे चिरे का काम करते थे, उनमें उनको अच्छा बेनिफिट मिलता था, और ये 50 मीटर की दूरी पर ये अपने सामने अल्ट्राटेक का एक माइनिंग है जिससे डस्ट उड़ती है और इनके पत्तों पर जमती है, तो इनको भारी नुकसान हो रहा था, तो इनको अब सीपीएस का पट्टा मिल गया, जो कि लोहे चिरे का पट्टा मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पहले जो ये अफीम की खेती करता हूँ उसमें पहला लोहे चिरे की अफीम थी, तो ये डंपिंग होता है यार, धूल मिट्टी उड़ के आती है, तो हमारी अफीम इसको घटिया बचा के नारकोटिस ने इसको सीपीएस में पट्टा कर दिया। अल्ट्राटेक प्रबंधन की वादा खिलाफी से भी यहाँ के ग्रामीण मायूस। जमीन अवाप्त करते समय अल्ट्राटेक ने विकास के वादे किए थे जो आज तक धरातल पर नजर नहीं आए, तो वहीं माइंस की ब्लास्टिंग के चलते बर्बाद हो रही अफीम फसलों को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। गरीबों की कोई सुन नहीं पाता है, ऐसे लोग हैं जो अपनी नेतागिरी जमा कर वो खुद का फायदा उठा लेते हैं, इनको कोई फायदा नहीं देते है। इस तरीके से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, पूरा आसपास के ग्रामीण को नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अल्ट्राटेक के इन धमाकों ने मकानों में दरारें तो खींची ही हैं, साथ ही किसानों की कमर भी तोड़ दी और उन्हें आर्थिक रूप से भी बर्बाद कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब प्लांट आया था उस समय प्लांट प्रबंधन की ओर से सब्जबाग दिखाए गए थे, विकास के दावे किए गए थे, लेकिन गांव को गोद लेने की भी बात कही गई थी, लेकिन इसके विपरीत 30 साल जब प्लांट के संचालित होते हो गए हैं, उसके बावजूद स्थिति ऐसी है कि विकास तो नजर आया नहीं,
और किसान और त्राहिमाम तथे हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी विजय सिंह के साथ ओम भट्ट, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।